अगर आपने इस जगह पर अपनी MI या Redmi अकाउंट की ID लगाई हुई है तो आपको यहाँ पर इसका पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी Gmail की ID लगाई हुई है तो ये यहाँ से डायरेक्ट रीसेट हो जाएगा और आपका जो FRP है वो बाईपास हो जाएगा।